आज मैं महात्मा गांधी जी का रोल कर रहा हूँ। मैं अपने विचार उनके प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के गांव पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई थी। लोग प्यार से उन्हें बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमारा भारत देश साफ रहे और ग्रीन रहे, तो उन्होंने कई नारे दिए, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। उन्होंने ऐसे कई दूसरे भी नारे दिए हैं, जैसे करो या मरो, भारत छोड़ो और इंडिया भी। और वे चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद रहे और साफ सुथरा रहे। वे अपनी जिंदगी और अपने आसपास शरीर को साफ रखना ही पसंद करते थे। वे चाहते थे कि देश साफ रहने के साथ साथ स्वस्थ भी रहना चाहिए। थैंक यू। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक छोटे से स्पीच बोलना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था और उनकी माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ एक महान नेता और स्वतंत्र सेनानी भी थे। उन्होंने अपने देश और अपने लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने देश की स्वाधीनता के लिए एक युद्ध लड़ा और उसमें औरों को भी इस संघर्ष के साथ आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बात कही थी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपस में लड़ना के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। और एक बात, जय जवान जय किसान, यह नारा उनके द्वारा उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दिया गया था। इस नारे को शास्त्री जी ने 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के फाइट के दौरान दिया था, जब वे देश की सुरक्षा और किसानों के हक के लिए आगे आए थे। एट लास्ट अंत मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ लाल बहादुर शास्त्री पे। भारत का लाल जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, भारत का लाल जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, ऐसे शास्त्री जी की जरूरत देश को आज है, ऐसे शास्त्री जी की जरूरत देश को आज है। धन्यवाद।